हेलो सर। बोला सर एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3 वन बोल है एक्स आंसर। बिलोंग एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3 वन इंक्लूडेड और 3 एक्सक्लूडेड। एक बार वापस थोड़ा मिस्टेक तेरे से। एक्स बिलोंग टू 5 बाई 2 टू 3। बताऊं अभी? ओके ठीक है, चलो देखते हैं। और कोई? सर एक मिनट। सो एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3। ठीक है, रुक जा, देखते हैं। ऐसे गलत ही लग रहा है, बताओ। मैं हाँ सर। देखो, जिसपे रूट नहीं है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जिसपे रूट नहीं है उसको नेगेटिव लेते हैं। जब ये पॉजिटिव होगा तो आराम से स्क्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स माइनस वन होल स्क्वायर कर देता हूँ। और जब ये नेगेटिव है तो आराम से आप स्क्वायर नेगेटिव, देखो एक नेगेटिव टर्म है, एक स्क्वायर रूट वाला नेगेटिव से छोटा है। क्या ये पॉसिबल है? तुम ही लोग बोलो, क्या ये पॉसिबल है? अरे तो नो सर। ना पॉसिबल, एक्स माइनस वन अगर नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट वाला नेगेटिव से छोटा है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे पहले तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते क्या होता है। माइनस 3x माइनस 5 इज लेस देन या x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। ये x माइनस ये जीरो, ये क्या x माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन जीरो, x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 3। यहाँ से आ गया, दो आंसर आ चुके हैं, 1 से बड़ा होना चाहिए, माइनस 2 से 3 तक होना चाहिए। लेकिन अब स्क्वायर रूट के अंदर जो है उसको भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं, बोलो। वो भी तो इस केस में लेना पड़ता है, समझ आ रही बात? मल्टीप्लाई यस करके सर। 10, सब्ट्रैक्ट करके 3, बोलो समझ में आया? तो ये कौन आएगा? फाइव प्लस वन कॉमन आया, 2x माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2x माइनस 5 इनटू x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 5 बाय 2 टू इनफिनिटी। क्या कुछ ऐसा आ जाएगा, बोलो? कुछ गलत लिखा मैंने? नो सर। सर अब इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, अपना चाहिए इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना। कैसे? माइनस वन है, माइनस इनफिनिटी माइनस वन यहाँ इंक्लूडेड है, और 5/2 से इनफिनिटी। फिर दूसरा है 1 से बड़ा, इधर 1 से बड़ा, कौन सा? माइनस 2 से 3 तक, 3 इधर आएगा, माइनस 2 कहीं इधर आएगा। कौन सा पार्ट है जो तीनों में है? यहीं पे लोग गलती करते हैं, इसलिए आप लोग गलत आंसर दे रहे थे। यही पार्ट है ना तीनों में? तो फाइनल आंसर क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू 5/2 टू 3। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा बोलो, जल्दी कॉपी यस करो, सर। कॉपी करो जल्दी।
Sir, someone is in the lobby. हो गया, लिख लिया, बोलो। यस सर। एक और एग्जांपल करो, रूट सेवन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन, रूट सेवन माइनस एक्स इज माइनस वन। क्यों होगा बताओ?
एक मिनट सर, बोलो। x is less than 3, x is less than 3, ठीक है, बाकी लोग जल्दी करो। हाँ सर, एक्स इज लेस देन 3। और किसी से होगा या मैं बताऊं? बोलो सर, एक मिनट। बता दीजिए सर। देखो क्या करेंगे, x माइनस वन या तो पॉजिटिव होगा, x माइनस वन या तो नेगेटिव होगा। तो यहां से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन आ चुका है, पॉजिटिव है तो आप आराम से स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो सेवन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो ये x स्क्वायर माइनस x माइनस सिक्स इज लेस देन जीरो हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो यहां से क्या आएगा, लॉग टू माइनस टू टू थ्री, यहां से ये आ गया। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। कुछ गलत लिखा मैंने? नो सर। कुछ गलत लिखा मैंने? नो सर। तो नोटेशन लेना पड़ेगा, तो वो क्या आएगा, माइनस टू थ्री और फिर वन टू इन्फिनिटी, तो वन से आ गया एक्स बिलोंग्स टू। तो एक्स लेस देन वन दूसरे केस में, जब एक्स माइनस वन लेस देन जीरो है तब तो ये हमेशा पॉसिबल है। अब स्क्वायर रूट टर्म इज ग्रेटर देन अ नेगेटिव टर्म, तो वो तो हमेशा पॉसिबल है, सिर्फ जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। कुछ गलत लिखा मैंने? कहिए, समझ में आ रहा है? यस सर। अब ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आएगा, 7 से छोटा, वैसे ही कॉमन सेंस भी होता है, दिखता है अपने को, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई देखते हैं आप कर लो पूरा, क्या होगा ये पूरा अपना आंसर हो गया। तो x belongs to minus infinity से 1। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, दोनों बिल्कुल एक से डिपेंडेंट था। तो x belongs to minus infinity से 1, यूनियन 1 टू 3। अब इसको ध्यान से आप देखो तो क्या लिखा जा सकता है, x belongs to 1 तो इंक्लूडेड ही है, माइनस इन्फिनिटी से 3। आई समझ में? बोलो। हाँ सर। यस सर। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए।
हो गया, लिख लिया आप? यस सर। अगला एक और एग्जांपल कर लेते, लग गया तो x माइनस थ्री इज लेस देन रूट x स्क्वायर फोर x माइनस फाइव। क्यों होगा बोलो? एक मिनट सर।
सर बोलो x सर x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस फाइव यूनियन वन टू इनफिनिटी एंड थ्री नॉट इंक्लूडेड थ्री नॉट इंक्लूडेड क्यों मैं तो थ्री रख रहा हूं तो सीधे सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है तो खुद ही देख है ना हाँ सर ये तो सर क्यों अब बताऊं देखो कैसे करेंगे या दो ही पॉसिबिलिटी होगा x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और x माइनस थ्री लेस देन जीरो जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो आप स्क्वायर कर सकते हो आवाज आ रही है बोलो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज लेस देन एक्स स्क्वायर खत्म हुआ क्या बचेगा टेन एक्स is greater than 14 so x is greater than 7 by 5 कुछ ऐसा आ जाएगा बताओ yes sir बोलो और यहां पे x greater than 3 भी है तो दोनों में इंटरसेक्शन लेते हैं ये 7 by 5 और 3 इससे तो इधर ही आएगा 3 से बड़ा और 7 बाय 5 से बड़ा इंटरसेक्शन में तो यही दिख रहा है तो x बिलोंग्स टू 3 टू इनफिनिटी आ गया पहले से ठीक है 3 टू इनफिनिटी आ गया पहले से कुछ गलत तो नहीं किया मैंने बोलो नो सर अब सेकंड वाले से सॉल्व करते हैं
यहाँ तो x less than 3 पहले ही आ चुका, जब x minus 3 negative है तो ये तो हमेशा पॉसिबल है ना, सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई करके 5, सब्ट्रैक्ट करके 4, क्या क्या ले लें, 5 एंड 1, बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये क्या हो जाए, x belongs to minus infinity to minus 5 union 1 to infinity. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो कैसे लेंगे, माइनस फाइव तक, वन से इन्फिनिटी तक और थ्री से छोटा, तो क्या आ जाएगा, x belongs to minus infinity to 5 union 1 to 3. अब इसका आप दोनों का यूनियन लोगे ना पहले केस दूसरे केस से, तो क्या आएगा, x belongs to minus infinity, तो यहाँ minus 5 है, minus 5 यूनियन है देखो 3 to infinity, यहाँ 1 to 3, तो फाइनली क्या मैं 1 to infinity लिख दूं, बोलो, अरे बोलो, समझ में आया, कॉपी कर लीजिए. हो गया, हो गया सर, बाकी लोगों का भी हो गया? सर एक मिनट, हो गया आकांक्षा आपका, हो गया? यस सर. ओके चलो एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं इस टॉपिक का, रूट एक्स माइनस सिक्स माइनस रूट टेन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.
क्या कर सकते हैं यार, दुख भरी जिंदगी है। एक तो किसी तरह मुश्किल से मैं लेक्चर ले पाया आज, सोचा क्या कैंसिल करूं, थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, है कि नहीं? यस सर। चलो मैं करता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है? टाइम है नहीं, कभी भी मेरा डिवाइस भी ऑफ हो जाएगा, चार्ज वार्ज भी नहीं कर सकता हूँ, है ना? सुबह से लाइट वाइट खत्म है, तुम लोगों के लिए थोड़ा सा चार्ज किसी प्रकार किया और तुम लोगों को पढ़ाया, ऐसे कर देते हैं, ठीक है? एक को दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। अब क्या करते हैं, वैसे भी टाइम भी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, हो ही गया। तो अब देखो यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं थी ये लाइन डालने की, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से तो देखो कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी को अगर दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो रूट एक्स माइनस सिक्स को स्क्वायर करके एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा, इसको आप स्क्वायर करोगे तो वन प्लस रूट टेन माइनस एक्स होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। नो सर। नो सर। अरे बोलो। नो सर। नो सर। अरे वाह, देखो ये रही ना आवाज, इसको कहते हैं आवाज। फिर ये 2x और माइनस ये कितना हो जाएगा, 11 है, माइनस सिक्स माइनस 11 माइनस 17 हो जाएगा ना, बोलो। और इधर 2 रूट 10 माइनस x, कोई दिक्कत यहाँ तक? ना सर। अब ये उस टाइप का क्वेश्चन बन चुका है जिस टाइप का सॉल्व करने की आपको आदत है। कैसे? 10 यहाँ पे 2x माइनस 17 या तो पॉजिटिव होगा, 2x माइनस 17 या तो नेगेटिव होगा। ये थोड़ा बहुत लेंदी सा सवाल होगा, इसको स्क्वायर करो, पॉजिटिव होगा तो आप आराम से स्क्वायर कर सकते हैं 4 इंटू 10 माइनस एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 68 ना, बोलो, x प्लस 17 स्क्वायर इज 289, 40 माइनस 4x, ये 4x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये 64x प्लस 249 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लो, कुछ गलत नहीं लिखा रहा मैंने, चेक कर लो। अरे बोलो, समझ में आया? यस सर। यस सर। यहाँ 17/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको आप खुद से सॉल्व करना, मुझे अभी यहाँ पे करना पे पॉसिबल नहीं लग रहा है इतने कम टाइम में, आप आराम से कर लोगे। कैसे लिखोगे? x माइनस वही वाला यूज कर लेना, b माइनस b प्लस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac। तुम्हें लग रहा है कि बहुत लेंदी होगा, बट नहीं होगा, है ना? ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 इनटू 4, बस यही पे जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस वही। और ये 64 माइनस रूट 64 माइनस 4 इनटू 4 इनटू 249 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 4। समझ में आ रही है बात? बोलो। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अरे बोलो यार, आवाज आ रही है ना? नो सर। नहीं सर। नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर। आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, तो ये आप कर लेना। और दूसरा 2x माइनस 17 जब लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव है, और एक नेगेटिव पॉजिटिव से ग्रेटर है, क्या ये सही बात हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नहीं सर। तो यहाँ पे बस 10 माइनस एक्स को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, है ना? ये सॉल्व करने के बाद आपको इसको भी आगे सॉल्व करना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में ही एक्स माइनस सिक्स को भी पॉजिटिव लेना जरूरी है। स्टार्टिंग एक्स माइनस को पॉजिटिव ले लो,